आपको क्या लगता है अगले 10 सालों में, 10 सालों के बाद पाकिस्तानी गेम इंडस्ट्री जो है वो कहाँ होगी? लाइक वो इंडी गेम्स हम रिलीज़ कर चुके होंगे, कोई तरक्की होगी या यही रहेगी जो भी है सीन? यार अगर इसी तरह रहा ना पाकिस्तान में, जैसे ये उठा के लगा देते हैं ये सीन रहा तो फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर जैसे पाकिस्तानी डब्स में वो हैं सारे बंदे, उस तरह के लोग अगर मिल के साथ वो बाहर की काम करते प्रोजेक्ट, वो पाकिस्तान के लिए कर रहे, मैंने देखा है काफ़ी सारे वो बना रहे हैं। वेट फॉर डॉन और दूसरी कौन सी थी, मैस हार्वेस्ट वो बना रहे हैं पाकिस्तान की, है ना। हाँ, मैस हार्वेस्ट जो है वो तुर्की के साथ है एफिलिएशन, लेकिन जो है मेड फॉर डॉन और फार्मर्स वर्सेस एपोकलिप्स और स्पेस स्टेशन सिमुलेटर ये पाकिस्तानी अपनी गेम है और इंशाल्लाह अपनी आईपीस अगर इन आ गई है ना और सक्सेसफुल हो गई इंशाल्लाह, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, कुछ तो है। जैसे इंडिया में एक बार ही मुंबई गलीज के नाम से उस तरह की गेम हम भी बना लेना तो बेस्ट हो जाएगा। हाँ लाइक हो सकता है हम कोई अनरियल पे गेम बनाएं तो उसमें एपिक मेगा ग्रांट भी मिल जाए, यू नो, नेवर नो दैट। लाइक हमारे यहाँ एक कंपनी है क्विकसेल के नाम से, जो कि हमारी एक्चुअली लाइक मोर लाइक हमारा हिस्सा है उसमें, राइट। और वो अनरियल के साथ काम करती है, मेगा स्कैंस वगैरह, राइट। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वी कैन प्रोबेबली गेट सम सॉर्ट ऑफ मेगा ग्रांट्स, राइट। और उन्हें मिल भी चुका है क्विकसेल वालों को मेगा ग्रांट। मेगा ग्रांट इज लाइक अनरियल का एक, पता है वो एक है ना यूट्यूबर प्रोजेक्ट फ्रीलाइन तो काम करे, उसको भी मिला, मैंने देखा था। ओह यस एब्सोल्युटली, अनरियल कह रहा हूँ। एपिक का ये एक वो है ना प्रोग्राम है कि जहाँ ये डिवेलपर्स को सपोर्ट करता है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, काइंड ऑफ लाइक इट। और उससे क्योंकि गवर्नमेंट तो हमें नहीं देने लगी फंडिंग, राइट, ये तो कंफर्म बात है, राइट। तो हम एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जैसे कि फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि एपिक, वो हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट कर सकती हैं अगर करना चाहें तो, अगर हम अच्छा काम करें। अगर गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे ना गेम डेव को तो भी बहुत कुछ हो सकता है।